numericals on Kirchhoff's law. Kirchhoff's numericals on Kirchhoff's law. इसमें हम लोग पढ़े थे किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकेंड लॉ. किरचॉफ फर्स्ट लॉ में हम लोग पढ़े थे उसके डिफिनेशन की द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट विल बी इक्वल टू जीरो. दैट इज समेशन ऑफ या समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो ओ आर सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो. साइन कन्वेंशन हमने बताया था मीटिंग एट अ जंक्शन. और किरचॉफ फर्स्ट लॉ मीटिंग एट अ करेंट इज टेकन एज अ पॉजिटिव लिविंग एट अ करेंट इज साइन टेकन एज अ नेगेटिव. ठीक है. तो I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 इज इक्वल टू जीरो. तो क्या लिखा गया था I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus I5 आर -I4 -I5 को किधर लेकर चला गया राइट साइड लेकर चला गया. तो क्या हो गया ये प्लस हो जाएगा. तो यहाँ हम कह सकते हैं दूसरा कंसेप्ट मीटिंग करेंट इज इक्वल टू लिविंग करेंट ओ आर इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करेंट. इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल भी इसके बिफोर वीडियो में लगाए थे सॉल्व किया गया था या बताया गया था जिस जंक्शन पोटेंशियल फाइंड करना था जिसका आंसर कितना आया था 3 वोल्ट आया. ठीक है. अब इसके बाद हमने पढ़ाया था बच्चों किरचॉफ सेकेंड लॉ. इसके बाद पढ़े थे हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ में हमने बताया था कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज इन अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल will be zero. The algebraic sum of potential difference or EMF is equal to zero. Or दूसरा definition हमने लिखाया था कि the algebraic sum of EMF in any closed loop will be equal to the product. Sum of product current and a resistance. यानी दैट इज सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो ओ आर सिग्मा ई एम एफ इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा वी या प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस. और क्या बताया था कि ये कुछ साइन कन्वेंशन बताया था हमने ये कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है दो प्लेट्स हैं एक पॉजिटिव प्लेट्स और एक नेगेटिव प्लेट्स हम लोग का है. तो बताया था कि इफ ट्रेवल इन एनी पाथ पहला हमने रूल बताया था कि वी कैन टेक ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन या ट्रेवल इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दूसरा कि इफ बताया था ये कोई प्लस और माइनस यहाँ पर प्लस प्लेट है यहाँ पर माइनस प्लेट है बताया उसमें बताया था कि इफ ट्रेवल इन या मोशन इन पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू इलेक्ट्रिक प्लेट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईएमएफ इज टेकन एज अ नेगेटिव. फिर एक बताया था ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव. If travel in the electrolytes, negative terminal to the positive terminal, then the EMF of cell is taken as a positive. इसके बाद बताया था किसी कंडक्टर में कोई रेजिस्टेंस फ्लो कर रहा है
सॉरी किसी कंडक्टर है, कोई वायर है, उससे रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। और अगर डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में आप ट्रेवल करते हैं या मोशन करते हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस साइन, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव, विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव। एक और बताया था कि ये कोई वायर है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मोशन करते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस विल बी टेकन एज अ नेगेटिव। करंट के अगर अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस आई इंटू आर हो जाएगा। दूसरी बात समझें, कोई सेल इलेक्ट्रोलाइट से नेगेटिव चार्ज है और क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो हम जहाँ से चलेंगे उसको भूल जाएंगे, आज जिस इलेक्ट्रोलाइट्स के प्लेट्स को छोड़ेंगे उसके साइन को भूलेंगे नहीं, उसका उल्टा। हम मोशन कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो जिधर से चलेंगे यानी जहाँ से चलेंगे उसको भूल जाएंगे, आज इस प्लेटफार्म को फिर यहाँ से चलने के बाद यहाँ आएंगे, इस प्लेटफार्म से यानी इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट प्लेट से आगे बढ़ेंगे तो इसके साइन को भूलेंगे नहीं। यानी कुल मिला जुला कर आप इस तरह से समझें कि जहाँ से चलेंगे उसको भूल जाएंगे और जिस प्लेटफार्म को जिस इलेक्ट्रोलाइट्स के टर्मिनल को छोड़ेंगे उसके साइन कन्वेंशन को भूलेंगे नहीं। ये हम लोगों का लार है। अब एक न्यूमेरिकल हमने बताता हूँ इसमें किरचॉफ सेकेंड लॉ पर, क्योंकि आज का हम लोगों का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन किरचॉफ लॉ, न्यूमेरिकल्स ऑन किरचॉफ लॉ आज के टॉपिक है। तो न्यूमेरिकल्स ऑन किरचॉफ लॉ में एक क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाए 6 वोल्ट बैटरी, यहाँ पर 12 वोल्ट बैटरी, तो माइनस से प्लस आउटसाइड द बैटरी करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इनसाइड द बैटरी या इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये 2 करंट मिल रहे हैं। सपोर्ट दे I1 है, यहाँ पर मान लिया जाए I3, तो इसको क्या मान सकते हैं हम लोग I2। अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ, यहाँ पर नेम रख लें जंक्शन का ABCD E, या ABCDE, या और यहाँ पर हम लोग मेस या क्लोज पाथ देखेंगे। क्लोज पाथ यहाँ पे क्लॉकवाइज भी वी टेक एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप चाहे तो क्लॉकवाइज ट्रेवल कर सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से किसी एक को। तो हमने यहाँ पर क्लॉकवाइज ट्रेवल किया, ये फर्स्ट पाथ हुआ और एक पाथ हुआ सेकेंड, और एक पाथ बाहर बाहर मिलेगा, क्लोज पाथ ABCDEFA। तो यूजिंग किरचॉफ फर्स्ट ला मीटिंग करेंट एट अ जंक्शन, ये इसके लिए और इसके I1 I3 के लिए बी पॉइंट क्या है जंक्शन है, तो I1 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो I2, मीटिंग करेंट इज इक्वल टू लिविंग करेंट, ये मीटिंग करेंट है I1 I3 और I2 क्या है लिविंग करेंट, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें। अब क्या कहें यूजिंग, अब इसमें देखिए क्लोज लूप ढूंढिए, यहाँ पर एक क्लोज लूप है ABEFA, तो क्या कह सकते हैं यूजिंग किरचॉफ सेकेंड लॉ इन क्लोज लूप ABEFA, ABEFA बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे यूजिंग किरचॉफ सेकेंड लॉ इन क्लोज लूप ABEFA। एक क्लोज पाथ मिला हम लोग को ABEFA,
ए बी ई एफ को देखा जाए, हम मोशन करते हैं इधर से ए बी बी ई एफ ए, यानी इधर से एफ से ए, तो करंट रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और करंट डायरेक्शन में हम मोशन करें तो साइन वोल्टेज का क्या लेंगे, वोल्टेज वी इक्वल टू आई इंटू आर, ये साइन क्या ले लेंगे पॉजिटिव, तो यहाँ लिखेंगे आई इंटू आर, वी इक्वल टू आई इंटू आर, यानी थ्री इंटू आई वन, थ्री इंटू आई वन प्लस, क्यों हमने प्लस लिया, ये बी से ई भी किस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं हम लोग, करंट डायरेक्शन में मोशन करेंगे, तो जब करंट डायरेक्शन में मोशन करेंगे तो उस पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ईएमएफ जो भी है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस का साइन हम लोग क्या लगे पॉजिटिव, कब, जब करंट डायरेक्शन में मोशन करेंगे तब, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा टू आई टू, अब देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू इसलिए लिखा कि अब यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अब ये करंट और रेजिस्टेंस को हमने यूज किया, अब इस क्लोज पाथ में एक सेल मिल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स मिल रहा है जो कितने वोल्ट का है, सिक्स वोल्ट का, तो ये हम कैसे मोशन किया क्लॉकवाइज, तो निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव का साइन भूलेंगे नहीं, ठीक है, ओ आर हमने कहा था जहाँ से चलेंगे उसको भूल जाएंगे, और जिस प्लेस को जिस इलेक्ट्रोलाइट्स को जिस प्लेस को छोड़ेंगे उसके साइन को भूलेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस सिक्स, यानी सिक्स, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, सिमिलरली यूजिंग किरचॉफ सेकेंड लॉ, सिमिलरली यूजिंग किरचॉफ सेकेंड लॉ बी सी डी ई बी या ए बी सी डी ई एफ ए, तीन इक्वेशन बनेगा हम लोग का, कितने इक्वेशन बनेगा, तीन इक्वेशन बनेगा, तो बार बार ले लिया था यूजिंग किरचॉफ सेकेंड लॉ इन क्लोज लूप ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ ए हमने लिया, ठीक है, क्या लिखेंगे करंट डायरेक्शन में थ्री आई वन प्लस, अब इधर आएंगे इधर कोई करंट और रेजिस्टेंस नहीं है, करंट इधर ऊपर जा रहा है डी से सी के तरफ, हम आ रहे हैं किधर मोशन कर रहे हैं सी से डी के तरफ, तो हमारा साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस ना होकर यहाँ क्या रख देंगे माइनस फाइव आई थ्री, माइनस फाइव आई थ्री, अब इसके बाद कोई रेजिस्टेंस करंट नहीं, अब क्या है यहाँ और यहाँ ईएमएफ मिल रहा है, तो यहाँ प्लस से माइनस आएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस ट्वेल्व, अब इधर माइनस से प्लस तो प्लस सिक्स, तो ओ आर अब देखिए फाइव आई थ्री, और इसमें हम लोग का आई थ्री नहीं है, तो यहाँ देखिए इक्वेशन से आई थ्री इज इक्वल टू आई टू माइनस आई वन, यहाँ क्या कह सकते हैं आई थ्री इज इक्वल टू आई टू माइनस आई वन, तो यहाँ आई थ्री की वैल्यू पुट कर दें और ये माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्स माइनस सिक्स मिलेगा, यहाँ थ्री आई वन माइनस फाइव आई टू माइनस आई वन इज इक्वल टू माइनस सिक्स, अब यहाँ पर फाइव थ्री आई वन माइनस फाइव आई टू माइनस माइनस प्लस फाइव आई वन इज इक्वल टू माइनस सिक्स, अब यहाँ देखिए थ्री आई वन और ये क्या है फाइव आई वन, ऐड करेंगे एट हो जाएगा, एट आई वन माइनस फाइव आई टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स इन इक्वेशन थर्ड, तीन इक्वेशन, तो आप देखिए आप आई वन भी है आई वन आई टू भी है और आई टू, ठीक है, अब क्या किया जाए इसमें किसी एक को कैंसिल किया जाए, तो अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं कैंसिल नहीं होगा, तो अगर आई टू को कैंसिल करते हैं तो इक्वेशन सेकेंड में फाइव से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन थर्ड में टू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो आई टू क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से आई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइंड हो जाएगी, इस आई वन की वैल्यू या तो इक्वेशन सेकेंड या तो इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, तो हमारा क्या मालूम हो जाएगा
आई टू क्यू वैल्यू मार्क्स फाइंड हो जाएगी। तो आप क्या करें, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई फाइव प्लस इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाई टू। तो इक्वेशन सेकेंड में फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और यहाँ किससे, टू से। तो फाइव से मल्टीप्लाई कर, फाइव थ्री जा फिफ्टीन आई वन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन आई वन और फाइव टू जा टेन प्लस टेन आई टू इज इक्वल टू कितना है, सिक्स, थर्टी हो जाएगा। फाइव सिक्स जा थर्टी, ठीक है। अब यहाँ टू से मल्टीप्लाई करें, एट टू जा सिक्सटीन आई वन माइनस फाइव टू जा टेन आई टू इज इक्वल टू सिक्स टू जा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, ऐड करना है, यहाँ देखिए प्लस लगाया, ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का आई टू कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ से एक रिमाइंडर लेंगे, टेन, टेन में से टू जाएगा क्या मिलेगा एट, और यहाँ टू में से वन जाएगा वन, ठीक है। और इसको ऐड करें, ये आई वन और ये फिफ्टीन और ये क्या है सिक्सटीन है, थर्टी वन हो जाएगा। तो थर्टी वन आई वन ओ आर आई वन इज इक्वल टू एटीन अपॉन थर्टी वन एम्पियर, ठीक है। क्या कह रहा है, इसमें ऐसे क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करेंट या यूजिंग किरचॉफ सेकेंड लॉ, यूजिंग किरचॉफ सेकेंड लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करेंट इन ईच ब्रांच, या ओ आर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करेंट आई वन आई टू एंड आई थ्री एज शो इन द गिवन फिगर, ठीक है। इतना करने के बाद हम कहेंगे इसमें ए बी सी डी ई एफ ले लेंगे और हम किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अब एक बात ध्यान जरूर दें, जब करंट डायरेक्शन में जाएंगे तो आई इंटू आर दोनों के प्रोडक्ट का साइन हम पॉजिटिव लेंगे, जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज टेकन एज अ नेगेटिव, उसकी साइन आई और आर की साइन क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, कब, जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तब। और यहाँ पर ईएमएफ, ये ईएमएफ है, ईएमएफ में अगर प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो उसका साइन नेगेटिव, और माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो उसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसके ये चीज साइन कन्वेंशन यूज करते हुए हमने इक्वेशन फर्स्ट निकाला, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ का साइन यूज कर, साइन कन्वेंशन यूज करते हुए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड निकाला। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड में आई वन आई टू की वैल्यू फाइंड करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, निकालने के लिए हमने उसमें देखा किस में क्या करना, जो ऐड करना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, किस तरह क्या करने से हमको वैल्यू आएगी, तो हमने यहाँ पर वो किया। अब यहाँ पर हमको आई वन मिल गया, अब इस आई वन की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा आई टू मिल जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू आई वन आई वन इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू आई वन इन इक्वेशन, चलिए सेकेंड ले लेता हूं, इन इक्वेशन सेकेंड, थ्री आई वन प्लस टू आई टू इज इक्वल टू सिक्स, थ्री आई वन प्लस टू आई टू इज इक्वल टू सिक्स। अब आई वन की वैल्यू यहाँ देखिए, थ्री इंटू एट्टीन अपान थर्टी वन प्लस टू आई टू इज इक्वल टू सिक्स, ये एट्टीन थ्री जा क्या होता है, फिफ्टी फोर, फिफ्टी फोर अपान थर्टी वन प्लस टू आई टू इज इक्वल टू सिक्स, ओ आर टू आई टू इज इक्वल टू सिक्स माइनस फिफ्टी फोर अपान थर्टी वन, ठीक है। यहाँ से हम लोग आई टू की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ देखिए सिक्स वन जा सिक्स,
as 6 3 ja 18 minus 54 divided by 31 divided by 31 is equal to kya mil raha hum log ka is equal to yahan par 2 i 2 अब 186 में से 54 को सब्सट्रैक्शन करोगे तो यहाँ देखिए यहाँ 6 है ये 4 सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा 2 यहाँ 8 है यहाँ क्या है 5 तो 8 में से 5 सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलता है 8 में से 5 सब्सट्रैक्शन करोगे तो सब्सट्रैक्शन हटाना है यहाँ 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा ठीक है तो यहाँ हो जाएगा 3 यहाँ हो जाएगा 1 अपन 31 ये 2 को नीचे ला दोगे यहाँ हो जाएगा आई 2 अब 2 से ये कट जाएगा यानी आई 2 की वैल्यू क्या मिला हम लोग का 66 अपन 31 एम्पियर अब हमें आई 1 भी मिल गया और क्या मिल गया आई 2 देखिए यहाँ पर आई 1 मिला और यहाँ पर क्या मिला हम लोग को आई 2 अब चाहिए हम लोग को I3 क्या चाहिए I3 क्योंकि इस ब्रांच में हम लोग का करंट पुटअप फाइंड करना था तो I3 इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I3 I2 is equal to I1 plus I3 or I3 is equal to I2 minus I1 or I3 is equal to I2 minus I1 I2 ki value kya hai 66 upon 31 I1 ki value kya hai 18 upon 31 yahan se 31 kya le loge LCM ye ho jayega 66 upon 18 ye ho jayega I3 ठीक है तो 66 माइनस 18 अपॉन 31 तो इसको हाँ तो यहाँ देखिए ये 6 है और ये कितना है 8 है सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 और 8 16 में से 8 जाएगा 8 और यहाँ बचेगा क्या हम लोग का 5 यहाँ बचेगा क्या 5 तो 5 में से 1 जाएगा 4 तो 41 अपॉन 31 एम्पियर ये हम लोग को क्या मिला I3 की वैल्यू में ठीक है तो इस कंसेप्ट से हम लोग I1 I2 और I3 क्या कर सकते हैं हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये ला को आप भूले ना करें ठीक है इस ला को कभी भूले ना